सभी की एक डिमांड्स थी अभी बहुत ज़्यादा कि आप भैया कुछ हमें स्टंट सिखाइए, तो इसलिए मैं आज आपको विली करना बताऊंगा कि आप इजीली विली कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप इजीली विली कर सकते हो। तो मैं अभी एक नॉर्मली विली ट्राई करता हूँ जो आप बेसिकली सभी लोग ट्राई करते हो लेकिन फिर हो नहीं पाती है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करते हो कि फुल एक्सीलरेट करते हो और क्लच छोड़ देते हो, उससे क्या होता है तो आपने देखा बिल्कुल भी बाइक ऊपर से आगे से बिल्कुल ऊपर नहीं हुई। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, क्लच को ऐसे छोड़ते हो, तो इस तरह जो आप छोड़ते हो तो एकदम क्लच नहीं छोड़ता है, हल्का सा ये रह जाता है। तो आपको कैसे करना है, इस तरह करना है, मतलब तीन उंगली इस पर और एक उंगली इस पर, तो ये एकदम इस पर है। मैं ये ट्राई करके बताता हूँ, इससे आप करोगे तो क्या होगा। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो पीछे वाला टायर है उसमें कुछ ज़्यादा ही हवा अभी है, अभी इसमें 40 PSI हवा भरने की है, तो आपको इसमें 20 PSI हवा करनी पड़ेगी। तो इसको मैं कम कर देता हूँ पहले। इसमें क्या ज़्यादा हवा रहती है तो इजीली व्हीलिंग नहीं हो पाती है, तो आपको 20 PSI पर रखना है जिससे आपकी व्हीली है जो आसानी से हो जाए। अब देख रहे हैं दोस्तों कैसी होती है व्हीली। तो दोस्तों इस पर बेसिकली तीन ट्रिक आपको यूज़ रखनी है। पहला कि ट्राई प्रेशर है वो कम होना चाहिए, जो क्लच है वो आप इस ट्रिक से छोड़ना, आपकी डेफिनेटली व्हीली हो जाएगी। और तीसरा जो मेन पॉइंट है, आपको RPM मीटर को 8000 से 10000 के बीच में आपको रखना है, इससे क्या है आप कंटिन्यूसली व्हीलिंग कर सकते हो। फिर बाद में आपको एक्सीलेटर्स को उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप कैसी करना चाहते हो। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कोई और स्टंट सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं ट्राई करूँगा उसको करने की, और देखते हैं और क्या नए स्टंट हो पाते हैं इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, बाय।